टीडीएमसी में सदन की बैठक में हुआ जोरदार हंगामा। बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर लगाया 216 करोड़ रुपए काटने का आरोप। पक्ष विपक्ष ने एक दूसरे के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। सदन में बने दिलचस्प हालात। अपने ही मेयर के खिलाफ खड़े हुए बीजेपी पार्षद आप विधायक अब्दुल रहमान के दोबारा बोलने से हुए नाराज। शादियों में 50 लोगों की लिमिट पर बैंक्वेट हॉल मालिकों ने की तैयारी। 50 से ज्यादा लोगों की नहीं होने दी जाएगी एंट्री। सैनिटाइजेशन टेम्परेचर चेक के बाद ही मिलेगा प्रवेश। कोरोना नियम तोड़ने पर सिविल डिफेंस कर्मी काट रहे 2000 रुपए का चालान। जायजे के दौरान बोले कर्मचारी, जुर्माना करने पर कभी कभी बदतमीजी करते हैं लोग। और लगातार बढ़ते कोरोना मामले पर बोले एसडीएम संदीप दत्ता, पूर्वी दिल्ली में कंटेनमेंट जोन्स हुए 183, केस मिलने पर पूरी सोसाइटी नहीं होगी सील। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पूर्वी दिल्ली नगर निगम में सदन की बैठक में जोरदार हंगामा हुआ। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेता आमने सामने आकर तकरार करने लगे। सदन की बैठक में दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सदन में 216 करोड़ के प्रस्ताव पर बवाल हो गया। बीजेपी की ओर से सभी पार्षदों, मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन ने एक सुर से कहा कि दिल्ली सरकार ने एमसीडी के हिस्से के 216 करोड़ रुपए काट लिए। वहीं विपक्ष का कहना है कि प्रस्ताव को सदन में अचानक लाया गया, किसी भी पार्षद को इसकी जानकारी क्यों नहीं दी गई। आम आदमी पार्टी के विधायक अब्दुल रहमान ने कहा कि निगमों का 11000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार पर बकाया है, वो लिया जाए। वहीं नेता विपक्ष मनोज त्यागी ने कहा कि निगम चला रही बीजेपी फिजूल खर्ची करती है, 1 रुपए की चीज 10 रुपए में खरीदती है। साथ ही कहा कि एमसीडी पर आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाली कहावत लागू होती है। जो कोविड महामारी में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि इस समय कोई भी लोन की रीपेमेंट या कोई भी लोन का वो पैसा नहीं काटा जाएगा, इवन इंटरेस्ट तक नहीं काटा जाएगा, और उसके बावजूद इस समय मोरेटोरियम लागू है और दिल्ली सरकार ने अभी जो पीछे हमें भुगतान किया था उसके अंदर 216 करोड़ रुपए उन्होंने लोन रीपेमेंट के रूप में काट लिया, जो बहुत ही हम सब के लिए निराशाजनक है। और हम पहले ही आर्थिक उसमें संकट में जूझ रहे हैं और उसमें उन्होंने 216 करोड़ रुपया काटा, बहुत गलत है। मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री महोदय को भी पत्र लिखा, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी को पत्र लिखा कि भाई आप हमें तुरंत 216 करोड़ जो आपने हमारा लोन की रीपेमेंट के रूप में काटा है उसको आप इस समय ना काट करके आप तुरंत हमें इसको रिलीज करें ताकि हम अक्टूबर मास का जो बचा हुआ तनख्वाह का है लोगों का, जो कर्मचारी वेतन वो दे सकें और नवंबर मास का वेतन भी हम समय पर दे सकें। की सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ झूठ बोलने का काम करती है। इनके जो तमाम मुद्दे हैं, जैसा कि रहमान भाई ने बताया कि जो हम इनके उजागर करने वाले थे, MRSM का है, घर घर से कूड़ा उठाने वाला जो योजना है, बुलडोजर की जो मामला है, ये इस तरीके की जो तमाम चीज़ें हैं ये आज हम सदन में उठाने वाले थे, क्योंकि इन्हें पता 100 करोड़ का काम 200 करोड़ में हो रहा है, 125 करोड़ का काम 13 करोड़ में हो रहा है, ऐसे ही 6 करोड़ का काम 12 करोड़ में हो रहा है। वहीं सदन में आज एक दिलचस्प स्थिति बन गई। बीजेपी के पार्षद सदन में अपने ही मेयर के खिलाफ खड़े हो गए। आम आदमी पार्टी के विधायक अब्दुल रहमान के सदन में दोबारा बोलने को लेकर बीजेपी के पार्षद नाराज हो गए और अपने ही मेयर के खिलाफ खड़े हो गए। वहीं मेयर ने इस बात पर चुप्पी साध ली, जिससे नाराज होकर बीजेपी पार्षद अपने ही मेयर का विरोध करने लगे, जिसके बाद सदन में अनोखा माहौल बन गया। मेयर साहब की कोई बात नहीं सुनता तो कहां का निगम और कहां का नियम। हमने तो खुद कहा मेयर साहब आप ही के साथी आपको मेयर नहीं मानते कि कौन सब में मेयर बनने की होड़ लगी हुई है, वो अपने मेयर को फेल करना चाहते हैं। मैंने नेता विपक्ष जी को कहा कि भी आप अपनी तरफ से किसी एक विपक्ष में से बुलवा लें और इसके बाद सदन नेता सदन जो प्रस्ताव लेकर आए वो प्रस्ताव चर्चा का पटाक्षेप करेंगे प्रचलन। तो क्योंकि नेता विपक्ष ने उसमें अपनी तरफ से अब्दुल रहमान जी को उन्होंने कहा कि वो ये बोलेंगे, और निश्चित रूप से जो व्यवस्था मैंने दी थी, अब वो हमारे कुछ लोगों को एतराज़ था कि नेता विपक्ष ने इस बात को गलत इंटरप्रेट किया है। जब आपने कहा भी नेता विपक्षी तरफ से कोई बोले तो जो रहमान भाई पहले बोल चुके हैं
उस बात का थोड़ा सा विरोध था, लेकिन फिर मैंने जब समझाया कि नहीं, मैंने नेता विपक्ष को अनुमति दी है, वो अपनी तरफ से किसी को भी बुलवा सकते हैं, तो वो फिर वो मान गए। वहीं दिल्ली में बढ़ते कोरोना पर लगाम लगाने को लेकर बनाए गए नए नियमों के मद्देनजर बैंक्वेट हॉल मालिकों ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। शादी समारोह में 50 लोगों के शामिल होने की लिमिट कर दिए जाने पर हमने बैंक्वेट हॉल मालिकों से बात की। उनका कहना है कि उनकी तरफ से इस नियम को लेकर तैयारियां पूरी हैं, हॉल के अंदर 50 से ज्यादा लोगों की एंट्री नहीं होने दी जाएगी। साथ ही कहा कि समारोह में शामिल होने वाले हर व्यक्ति का सैनिटाइजेशन किया जाएगा और टेम्परेचर चेक करने के बाद ही एंट्री दी जाएगी। साथ ही हॉल के अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने पर ध्यान दिया जाएगा। बैंक्वेट हॉल मालिकों का यह भी कहना है कि अगर 50 से ज्यादा लोग समारोह में आते हैं तो उनको हॉल के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा, बल्कि बाहर ही रोक दिया जाएगा। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने सूबे में कोरोना के बेकाबू होने पर वायरस ज्यादा न फैले, इसलिए शादी समारोह जैसे भीड़ भाड़ वाले आयोजनों पर अधिकतम 50 लोगों की लिमिट लगा दी है। सबसे पहले तो जो हमारा मास्क है वो सब लोगों को हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं कि सब लोग अपना मास्क पहने। सेकंड चीज़, थर्मल स्कैनिंग, विदाउट थर्मल स्कैनिंग के लिए हम लोग किसी को अंदर अलाउ नहीं करने एंट्री के लिए। थर्ड चीज़ ये मैम, अंदर आते ही सोशल डिस्टेंसिंग जो है सब लोगों को मेंटेन करनी चाहिए एक दूसरे के लिए। फोर्थ चीज़ जो है, हमारे जो 50 गेस्ट अलाउ किए हैं सरकार ने, हम उस चीज़ को फॉलो करें, चाहे पार्टी गेस्ट अपने घर छोड़ के आए या उनको मना करे या उनको शॉर्ट लिस्टेड करे, ये चीज़ पार्टी की जिम्मेदारी है और हमारी जिम्मेदारी है। हम लोग 50 आदमी से ज़्यादा अलाउ नहीं करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं वो लोग कि एक तो अपनी जो लिस्ट है गेस्ट की उसको शॉर्ट लिस्ट करें। सेकेंड चीज़, जो लोग मेहमान घर पर रह सकते हैं, जिन लोगों का शादी में बहुत ज़्यादा मतलब योगदान नहीं होता, उनको वो घर भी छोड़ के आ सकते हैं। ज़रूरी मेम्बर्स को अपनी, या ज़रूरी जो गेस्ट हैं अपने या रिलेटिव्स जो बहुत ज़रूरी है उन्हीं को मतलब इनवाइट करें, ताकि कम से कम मेहमान रहें, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग बन सके फंक्शन के दौरान। सोशल डिस्टेंसिंग तो मैरिज करनी ही पड़ेगी, जैसे भी करनी पड़े। बिल्कुल, गेस्ट को अलाउंसमेंट भी कर रहे हैं हम बैंकेट हॉल में, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें, और जो भी है सारे जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है हम उसको उसके ऊपर ही पूरी करेंगे। अपनी तरफ से क्या एहतियात बरत रहे हैं? अपनी तरफ से हम सारा थर्मल स्कैनिंग करा रहे हैं, सैनिटाइज करा रहे हैं, और जो भी गेस्ट आ रहे हैं उनको मास्क, जिस पे प्रोवाइड नहीं होते उनको प्रोवाइड करा रहे हैं। स्क्रीनिंग हो गई आपकी, जैसे किसी के मोबाइल में हम आरोग्य सेतु ऐप भी डाउनलोड करा रहे हैं, ताकि कोई अलर्ट हो जाए अगर कोई कोविड का कोई है तो। सेकेंडली, हमने अपने स्टाफ को भी ब्रीफ कर रखा है कि हर गैदरिंग को सोशल डिस्टेंसिंग में मेंटेन रखें, क्योंकि जितना वो सोशल में रहेंगे उतना सबके लिए ही सेफ रहेगा। बाकी मास्क का सबको वेयर करा रहे हैं, थर्मल स्क्रीनिंग हो गई, सैनिटाइज हो गए, हर काउंटर पे हमने सैनिटाइज रखवा दिया है, ताकि कोई खाने से पहले पीने से पहले अपने हाथ सैनिटाइज करे। नहीं, हमने गार्ड को ही वो कर रखा है, बाकी हम खुद भी अवेयर रहते हैं, अगर कुछ ऐसा ज़्यादा हो जाता है तो बाहर ही रोकते हैं, गेस्ट से बात करेंगे, क्योंकि हमने पहले ही फंक्शन से पहले ही सबको बता चुके हैं कि 50 ही अलाउड हो चुके हैं दिल्ली गवर्नमेंट की जैसे गाइडलाइन आई है, तो उससे ज़्यादा अलाउ कैसे हो पाएगा। अच्छा, एक चीज़ और देखी जाती है, अक्सर ऐसा ही होता है कि लोगों का आना जाना लगा रहता है, क्या वो 50 की गिनती जो है पार्टी ने थोड़े स्लॉट्स भी बनाए, जैसे 8 से 9 कोई गेस्ट आ जाए, 9 से 10 कोई गेस्ट आ जाए। एट प्रेजेंट हमारी 50% की ही गैदरिंग होनी चाहिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोरोना के बेलगाम होने पर दिल्ली सरकार के आदेश के बाद मास्क न लगाने का जुर्माना ₹500 से बढ़ाकर 2000 कर दिया गया। इसके बाद हमने जमीनी हालातों का हाल जानने के लिए झील चौक इलाके का जायजा लिया। यहां पर दिल्ली सिविल डिफेंस के कर्मचारी बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले लोगों के ₹2000 के चालान करते दिखे। इस दौरान कर्मचारी अब तक करीब 6-7 चालान मास्क न लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर लापरवाही बरतने पर कर चुके हैं। जायजे के दौरान एक बात और सामने आई कि चालान काटने पर कभी कभार लोग उनसे अभद्र भाषा में बात करते हैं और कई बार तो बदतमीजी पर तक उतर आते हैं। यह भी कोरोना के खिलाफ जंग में एक चुनौती बनकर सामने आ रहा है। यहाँ पे मैं करीब 1 घंटे में 4-5 चालान कर चुका हूँ, जिसमें सोशल डिस्टेंस भी है और विदाउट मास्क भी है। बाकी स्पिटिंग का भी हम लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी आपके सामने मैंने रोका हुआ है, ये विदाउट मास्क के मैंने रोके हैं, ये ट्रिपलिंग के ये खड़े हैं आपके सामने पीछे, ये बहुत ज़्यादा हम लोगों से बहस करते हैं, तरह तरह की हमको बातें बोलते हैं, हाई लेवल से हमको
फोन कराने की ये लोग कोशिश करते हैं, जिसको हम लोग नहीं मानते। ये तो इनके खिलाफ फिर मैं 188 IPC के तहत जो भी उचित कार्रवाई होती है वो मैं करने के लिए तैयार होता हूँ और वो इनके खिलाफ मैं करता हूँ। कार्रवाई ये करते हैं, उसके गाड़ी के कागज अपनी इच्छा से यहाँ छोड़ जाता है घंटे आधे घंटे के लिए। आधे घंटे में अभी तक तो ऐसा कोई केस हुआ नहीं है, बट वो अधिकतर लोग पे कर जाते हैं मेरे को। अभी फिलहाल जो यहाँ 3 दिन से मैं देख रहा हूँ उसमें मेरे ख्याल 10% के आसपास फर्क पड़ा है, अदरवाइज 90% लोग नहीं मानते, बिल्कुल ही नहीं मानते। सर राहत कोई नहीं है, हम सिर्फ 2 का चालान काट रहे हैं। अगर कोई ज़्यादा बात करता है या अब्यूज वर्ड बोलता है तो उसको हम 188 का मुकदमा दे देते हैं। जैसे सोशल डिस्टेंसिंग विदाउट मास्क और आपका बीड़ी गुटखा सिगरेट को पी रहा है या स्पीडिंग कर रहा है कहीं रोड पे, तो उनका चालान काट रहे हैं हम। नहीं, 2000 का चालान हम काट रहे हैं इस टाइम, क्योंकि गवर्नमेंट से हमें जो ऑर्डर है वो 2000 का चालान का है। दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से पूर्वी दिल्ली में कंटेनमेंट जोन्स की संख्या करीब 183 हो गई है। वहीं कोरोना मामलों पर नजर रखने के लिए 24 सेंटर्स और 2 हॉस्पिटल में लगातार लोगों की टेस्टिंग की जा रही है, जिससे कोरोना मरीजों की पहचान हो सके और समय रहते कोरोना से लड़ा जा सके। वहीं पहले जिस सोसाइटी या गली में केसेस निकलते थे तो पूरी गली या सोसाइटी को सील किया जाता था, वहीं नियमों के बदल जाने के बाद अब अगर केसेस निकलते हैं तो सिर्फ उस फ्लोर या घर को सील किया जाएगा जिसमें केसेस निकलेंगे, ना कि पूरी सोसाइटी या गली को सील किया जाएगा। अभी 182 है, लेकिन उसमें से 50-60 है जो स्केल डाउन है, कुछ दिनों में वो हट जाएगा। नहीं, हमने उल्लंघन करने वाले के ऊपर चालान काटने के लिए तो टीम भेजा ही, 30 टीम घूम रहे राउंड द क्लॉक। और उसके अलावा कोशिश हमारी है कि टेस्टिंग जितना ज़्यादा हो जाए उतना जल्दी एक्सपोजर सामने आ जाएगा, तो हमारा कंटेनमेंट प्लान भी तैयार हो जाएगा। और इसमें हमारा माइक्रो कंटेनमेंट प्लान है, छोटे छोटे एरिया को हम, जैसे पहले कहते ना पूरा गली सील कर दो या पूरा रास्ता जो है वो सील कर दो, पूरा सोसाइटी सील कर दो, ऐसे नहीं है। अगर हाउसिंग सोसाइटी में मान लो एक ब्लॉक में हुआ तो एक फ्लोर में अगर है, मान लो एक ही फ्लोर में 2 या 3 एक फैमिली में निकला या 5 फैमिली में, तो सिर्फ उस फ्लोर को ही कंटेन कर रहे हैं, हम नहीं कि पूरा बिल्डिंग को कंटेन कर दो या पूरा ब्लॉक को ही कंटेन कर, क्योंकि बाकी लोग हम क्यों तंग करें, उनका तो काम है, वो प्रिकॉशन रखे, हो मास्क पहने, हैंड में सैनिटाइजेशन करे और अपना सोशल डिस्टेंसिंग रखे, तो हम बच सकते हैं इसमें से, ऐसे कोई है। वहीं दिल्ली में कोरोना मामलों के बढ़ते खतरे को देखते हुए तमाम लोग अपनी अपनी क्षमता और अंदाज में इस लड़ाई में अपना योगदान दे रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस कार्यकर्ता अशोक शर्मा ने जनहित में लोगों को मास्क बांटे। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो मानव कल्याण के लिए मास्क बांट रहे हैं, साथ ही कहा कि जब तक दवाई नहीं आती तब तक हमें मास्क ही लगाकर रखना है, जिससे कोविड-19 का खतरा कम से कम हो सके। इस दौरान उन्होंने लोगों को करीब 2000 मास्क बांटे, साथ ही लोगों को जागरूक भी किया। वैश्य गुरु अंगद नगर में मार्केट में तथा जितने भी यहां पर रिक्शे वाले और ये जो है ई मास्क वाले जो बिना मास्क के जा रहे हैं, उनको लोगों को समझा भी रहे हैं कि कोरोना बहुत खतरनाक स्थिति में आ चुका है, जानलेवा और डेली 125-150 डेथ हो रही हैं, 8000 पेशेंट रोज आ रहे हैं, कि इसकी बचाव ही इसका इलाज है, आप इससे बच के रहिए, संक्रमण ज़्यादा ना फैले, इसके लिए लोगों को मास्क डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि पहली जो बचाव की चीज़ है मास्क है, वो मास्क हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध करा रहे हैं, जो बिना मास्क है उसे रोक रहे हैं। जी ऐसा है, ये कोरोना बहुत फैल रहा है, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक को कम से कम मतलब कोरोना फैले, और मास्क बांट रहे हैं उसी की वजह से हम। हाँ जी हाँ जी, हम तो यही कहेंगे पब्लिक को और सब भाइयों बहनों को यही कहेंगे कि कोरोना ज़्यादा फैल रहा है और मास्क जरूर से ज़रूर लगा के चलें। मैं चाहता हूँ कि सरकार तो कर ही रही है, हमें भी कुछ करना चाहिए पब्लिक के लिए, तो मैं चाहता हूँ कि जो है ना ये जितना ये जो राशि रखी है सरकार ने, वो मेरी नज़र में ज़्यादा है, राशि कम होनी चाहिए, सरकार को दूसरे तरीके से समझाना चाहिए लोगों को, तो हम भी समझा रहे हैं। देखिए गरीब आदमी 2000 रुपये कैसे देगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के शहादरा जिले के गांधीनगर इलाके में एक नाले में एक बुजुर्ग की डेड बॉडी मिलने की खबर सामने आई है। मिली जानकारी के मुताबिक बुजुर्ग सुबह से गायब था और उसे कई जगह पर तलाश किया जा रहा था, लेकिन कुछ देर बाद सूचना मिली कि नाले के अंदर एक शव पड़ा है, जिसे देखने के बाद बुजुर्ग की शिनाख्त हो गई। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग शौच करने के लिए निकला था, वहीं बुजुर्ग की मौत कैसे हुई इसकी जांच की जा रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग को मिर्गी के दौरे आते थे। वहीं बढ़ते प्रदूषण के बीच लोगों की गैर जिम्मेदारी सामने आई है। लापरवाह स्वभाव के किसी व्यक्ति ने पूर्वी दिल्ली के जगतपुरी में रेड लाइट के पास कूड़े के ढेर में आग लगा दी। वहीं आग लगने से इलाके में दम घोंटू धुआं फैलने लगा,
इसके बाद सिविल डिफेंस के कर्मचारियों ने फायर ब्रिगेड को कॉल कर सूचना दी तो फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी मौके पर पहुंची और जैसे तैसे आग पर काबू पाया। आपको बता दें कि दिल्ली में पहले से ही एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी खतरनाक लेवल पर है और ऐसे में आग से निकलने वाले धुएं से हवा और प्रदूषित हो जाती है और लोगों को सांस लेने में कठिनाई होती है। ऐसे में इस तरह की खबरें लोगों का गैर जिम्मेदारानापन दिखाती हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग में हम उस साइड खड़े हुए थे तो कुछ यहाँ पे थोड़े से एरिया में बहुत कम आग थी। उस टाइम पे जब हम भाग कर आए तो बहुत ज्यादा में फैल गई। हमने फिर फायर ब्रिगेड को कॉल करी, तुरंत फायर ब्रिगेड बुलाकर हमने यहाँ पे आग बुझवा दी। जगह पूरी रेड लाइट पे अभी किसी ने आग कूड़े में आग लगे थे, उसमें धुआं हुआ, उससे हमने फायर ब्रिगेड को फोन करा, फायर ब्रिगेड वालों ने आके आग को काबू में कर लिया। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए CCN। नमस्कार।